बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुमल खान प्रेजेंटिंग माय 19th लेक्चर ऑफ क्लास 2 फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़, यूनिट नंबर 5, टाइम एंड मूवमेंट, लेसन नंबर 9, टाइम, पेज नंबर 47 प्लस 48 एंड पेज नंबर 49 एज होमवर्क। हियर इज योर बुक टाइटल पेज। ओके, इट्स आवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 5, टाइम एंड मूवमेंट। इट्स अबाउट टाइम, ठीक है, टाइम, डे एंड नाइट एंड अबाउट द क्लॉक, ठीक है, क्लॉक और डे और नाइट के बारे में, मूवमेंट, मूवमेंट के बारे में, हरकत करना होता है, ठीक है, किस तरह से मूवमेंट होती है। और टाइम ऑफ कोर्स आपको देखना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप इन क्वारंटीन टाइम में टाइम देखना ज़रूर सीख लें। अच्छा, टाइम में हमारे पास क्या है बेसिकली, लिसन मी वेरी केयरफुली, होल्ड योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स लाइन। द टाइम फॉर व्हेन द सन राइजेस टिल द सनसेट्स इज कॉल्ड अ डे। टाइम वो होता है कि जब सनराइज यानी सूरज निकलने से सूरज गुरूब होने तक, सनसेट सूरज गुरूब होने तक डे हो कहलाता है, ठीक है, ये आप सबको पता है कि डे ये होता है। बट अ फुल डे लास्ट फ्रॉम मिड नाइट और वन डे टू द नेक्स्ट मिड नाइट ऑफ द फॉलोइंग डे 24 आवर्स। अच्छा, 24 आवर्स कैसे बनते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ अभी 12 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हो नहीं रहे लेकिन मैं एग्ज़ाम्पलर ही आपको बता रही हूँ, आज 12 o'clock से लेकर कल इसी टाइम तक, 12 o'clock तक, आज दोपहर 12 बजे से लेकर कल दोपहर 12 बजे तक 24 घंटे पूरे होते हैं, 24 आवर्स। और एक डे में हमारे पास वी हैव 24 आवर्स इन वन डे, एक दिन मुकम्मल होता है, फिर वन डे कंप्लीट करते हैं हम 24 आवर्स में, ठीक है। सो आपको याद होना चाहिए, यू हैव टू रिमेम्बराइज दैट वन डे कंसिस्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स होते हैं, मैथ्स में आप पढ़ते हो। Here are some words which tell us about different times of the day. अच्छा, ये उन्होंने कहा है कुछ words हैं हमारे पास जो हमें बताते हैं कि day, night, midnight, morning क्या होती है। You have to use these words in your regular life too. आप अपने life में ये use कर सकते हो, you have to know about it. आपको पता होना चाहिए ये words. Dawn, डॉन बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, जो बिल्कुल सुबह सवेरे से सहरी बोलते हैं, ठीक है, लाइक जब बिल्कुल सूरज निकल रहा होता है, फजर का टाइम होता है जो हमारा, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हमारी अजान हो रही होती है फजर की, वो डॉन का टाइम होता है हमारा, ठीक है, DAW, डॉन। मॉर्निंग, मॉर्निंग होती है जब हमारा आपके स्कूल आने का टाइम हो जाता है, ठीक है, वो मॉर्निंग होती है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे यानी सबसे पहला हिस्सा डे का। मिड डे यानी नून, जब हमारा 12 बजते हैं, आधा दिन हो जाता है, मिड डे और नून। द मिडल ऑफ द डे व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवर हेड, जब बिल्कुल सूरज हमारे सर पे होता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आप लोग लेट सो के उठते हो तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मदर्स क्या बोलती हैं, फॉर के बिल्कुल सर पे आ गया सूरज तो अभी आप तक सो रहे हो, ठीक है, सो इसीलिए बोलते हैं कि नून हो जाती है, वो हमारी दोपहर हो जाती है 12 बजे। अच्छा जी, मिड डे हो जाता है आफ्टरनून। अब आफ्टरनून क्या होता है हमारे पास? द टाइम आफ्टर द मिडल ऑफ द डे, हमारे पास आफ्टरनून होता है अबाउट 3, 4, 5, ये वाला टाइम होता है हमारे पास, ठीक है, जब आप घर जाते हो ना और 3 बज जाते हैं 4 बज जाते हैं 3, 4, 5 हो जाते हैं, तो वो हमारे पास आफ्टरनून का टाइम होता है। इसके बाद हमारे पास इवनिंग स्टार्ट हो जाती है, 6 o'clock के बाद आपके पास क्या स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। द एंड ऑफ द डे व्हेन इट बिगेंस टू गेट डार्क, जब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होना शुरू हो जाता है, जब सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है तो इवनिंग हो जाती है। नाइट, रात क्या होती है, व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली डार्क, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लाइक हमारे जब 7 o'clock होते हैं, हमारी मगरिब होती है जब, तो हमारी सूरज गुरूब हो रहा होता है उसके बाद बिल्कुल डार्कनेस हो जाती है, मीन्स हमारी नाइट स्टार्ट हो जाती है आफ्टर मगरिब। ओके, यहाँ वो क्या कह रहे हैं, इट्स अबाउट क्लॉक, क्लॉक के बारे में क्या कह रहे हैं, टाइम के बारे में क्या कह रहे हैं वो। डू यू नो दैट 6 seconds in 1 minute, 6 seconds इज, 6 seconds इज इक्वल्स टू 1 minute, 6 seconds में हमारे पास, 1 minute में 6 seconds होते हैं, देन 60 minutes इज इक्वल टू 1 hour, और 1 घंटे में हमारे पास 60 minutes होते हैं वन डे में। एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव 24 hours इन वन डे, देन वन वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days होते हैं, कैसे 7 days होते हैं, वीक डेज आपको नेम्स पता है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपके पास आप काउंट कर सकते हैं, यू हैव टू काउंट इट। 52 weeks होते हैं हमारे पास 1 year में, 12 months होते हैं हमारे पास 1 year में। 52 months तो आपको सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1 year में 52 weeks होते हैं, और इसके बाद हमारे पास आता है दी मंथ्स,
द मंथ्स में हमारे पास क्या होते हैं, महीनों में हमारे पास क्या होता है, हेयर इज़ अ पोइम, यहाँ पर हमारे पास पोइम है, क्या पोइम है हमारे पास, लुक एट दिस, हैव अ लुक, इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द मंथ्स, ये आपको रिमेंबर कराएगी मंथ्स को, कैसे रिमेंबर कराएगी, इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिमेंबर द नंबर्स ऑफ डेज इन ईच मंथ, ठीक है, और यहाँ पर आपको वो बताएंगी कि कितने हमारे पास सितंबर में कितने डेज़ होते हैं और अप्रैल में कितने, मई में कितने डेज़ होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, ठीक है, 31st होती है जनवरी की, ऐसे ही है ना, तो डेज़ हमें पता है, फिर फरवरी में 28 डेज़ हो जाते हैं, फिर मार्च में कितने डेज़ होते हैं, फिर अप्रैल में कितने हो जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पर मीन सेपरेट किया हुआ है उन्होंने, कैसे 30 डेज इन सितंबर, उन्होंने अलग बता दिया हुआ है आपको 30 डेज़ कौन कौन से महीनों में होते हैं, सो 30 डेज इन सितंबर अप्रैल एंड जून एंड नवंबर, ठीक है, सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर में, इन डेज में 30 डेज होते हैं हमारे पास, ऑल द रेस्ट हैव 31 एक्सेप्टिंग फरवरी अलोन, उन्होंने कहा बाकी सब जो रह गए हैं उन सब के 31 डेज होते हैं सिर्फ फरवरी को छोड़ के, एक्सेप्टिंग सिर्फ फरवरी को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि फरवरी में हमारे पास 28 डेज होते हैं, बाकी सारे जो हैं इनके अलावा 31 डेज के होते हैं, एंड दैट इज़ दैट हैज़ 28 डेज क्लियर एंड 29 ईयर्स इन लीप ईयर, ओके लीप ईयर क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज़ द लीप ईयर, लीप ईयर वो होता है जब फरवरी में हमारे पास 29 डेज आते हैं और वो अबाउट 4 ईयर्स के बाद आते हैं, एवरी 4 ईयर्स हमारे पास आते हैं, जब हमारे 4 साल गुजर जाते हैं ना फिर हमारा लीप ईयर आता है, क्या है यहाँ पर, डिड यू नो पीपल बॉर्न ऑन द 29th ऑफ फरवरी हैव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे ऑन द 20th ऑफ फरवरी और ऑन द मार्च ऑफ फर्स्ट, कह रही कि जो लोग 29 फरवरी को पैदा होते हैं ना क्या करते हैं वो अपनी बर्थडेज या तो 28 को मना लेते हैं या तो 1 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि जो लीप ईयर होता है जो 29 फरवरी होती है तो 4 साल के बाद आनी होती है, लेकिन आपकी बर्थडे आप लोग जो सेलिब्रेट करते हो वो तो हर साल सेलिब्रेट करते हो, सो लीप ईयर होता है बेसिकली हमारे पास जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं और वो हमारा हर 4 साल के बाद आता है, हर साल नहीं होता 4 साल के बाद आता है, ठीक है 4 ईयर्स के बाद आता है, देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, पूरे साल के अगर आप डेज काउंट करने बैठो तो 365 डेज बनते हैं, इन लीप ईयर देयर इज़ ऑलवेज एन एक्स्ट्रा डे, ऑफ कोर्स जो लीप ईयर होता है उसमें जब 29 डेज हो जाएंगे फरवरी के तो हमारे 365 पे 1 प्लस करोगे तो 366 डेज हो जाएंगे एज दे हैव रिटन हियर, that the day is 29 of February, a leap year comes every 4 years and has 366 days. As I have told you, कि leap year हर 4 साल के बाद आता है और 366 days उसमें होते हैं. Now it's your homework. Homework में आपके पास क्या आएगा? The letters in these words have been jumbled. Jumbled हुए हुए हैं, आपने क्या करना है, आपने इनको correctly करके इनकी blanks के according लिखना है. ये क्या है basically हमारे पास? These are the weekdays words. हमारे पास ये वीक डेज नेम है, यानी हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे संडे, ये हमारे पास हैं. एज़ यू कैन सी 4 आई हैव डन फॉर यू, रेस्ट ऑफ 3 यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, आपने ख़ुद से करना है, ठीक है. सैटरडे ट्यूसडे मंडे फ्राइडे मैंने लिख दिया है, कौन से रह जाते हैं वो आपने 3 यहाँ पर लिख देने हैं. नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग्स, 7 डेज किसमें होते हैं इन अ वीक, लुक एट दिस, इन अ वीक एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 24 आवर्स 24 घंटे किसमें होते हैं इन अ डे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, 365 डेज इन अ ईयर, ठीक है पूरे साल में 365 ईयर डेज होते हैं, 30 डेज 30 दिन का कौन सा महीना होता है, कौन सा मंथ होता है, सितंबर होता है, 366 डेज लीप ईयर में होते हैं जब हमारे पास 29 का फरवरी भी आ जाता है बीच में, 60 सेकेंड्स एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है. थैंक यू सो मच.